कितनी मेहनत है, वो पूरा का पूरा आपका रिजल्ट में कन्वर्ट होने का डे होता है आपका वीकली क्लोजिंग। तो इसमें आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपने इस पूरे पूरे हफ्ते जो मेहनत की है उसको कैसे आप एक साथ उसको ऑर्डर्स के रूप में, रिक्रूट्स के रूप में आप अपने लॉगिन के अंदर, अपनी टीम के लॉगिन के अंदर उसको रजिस्टर करेंगे। एंड दैट शोज योर करियर ग्राफ, दैट शोज योर ग्रोथ। वीकली हम लोग भी इवेल्युएट करते हैं कौन से लोग हैं जो सप्ताह दर सप्ताह आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सी एक कोट है, व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव योर टुमोरो। जो आज आप करते हैं ना वही आपके आने वाले सारे कल को निर्धारित करता है, उसको इम्प्रूव करता है। और लाइफ जो है ना वो चेंज और इम्प्रूव का ही वो है कि आप जो आज कर रहे हैं उससे और बेहतर कल करेंगे, उससे और बेहतर कर करेंगे, आप बेहतर, अपना बेहतर वर्जन धीरे धीरे बनते चले जाएंगे जाएंगे। सो एवरी डे योर एफर्ट, एवरी डे योर एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आपने क्या प्लान किया है? जब आप आज सुबह उठे तो आपकी थॉट क्या थी? अब आज वीकली क्लोजिंग है तो आपने आज भी सोचा होगा आज मैं फोन उठाता हूँ। हमारा लाइफ में क्या होता है ना, आज थर्सडे है, गोपाल जी मोटिवेट कर रहे हैं, अभी मारवाड़ी का बना रहा है, अरे थर्सडे है, आजकल कुड़ियाल जी भी बड़े फेवरेट हो रखे मेरे, वो सबको फोन करते, सब अपना मीटिंग शुरू हो जाता है कि चलिए चलिए उठिए सब लोग, आज थर्सडे है, ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर नहीं लगाना है, आप बोलेंगे मॉर्निंग में लता मैम ये क्या कह रही है, आपको ऑर्डर नहीं लगाना है, आपके अपने पूरे वीक के एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। अंडरस्टूड? जो आपने पूरा सप्ताह जो मेहनत की है ना, थर्सडे थर्सडे आप अपनी इनकम निर्धारित करते हैं, एवरी थर्सडे आप अपना जो भी टाइटल आप अचीव कर रहे हैं, जो भी सक्सेस आप लेना चाह रहे हैं वो निर्धारित करते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जो आपके द्वारा, आपके प्रयासों के द्वारा, आपके एम के द्वारा, आपके खुद की इच्छा के द्वारा डिसाइडेड होता है कि ये करना क्या है मुझे। जब सक्सेस की बात करते हैं ना, सक्सेस का क्या है, आपको जो, अब हम सक्सेस की बात कर रहे हैं तो सक्सेस जो होती है वो वीक्स में प्लान होती है कि मेरे को वीकली वीकली क्या करना है। बट उस वीकली में जाने के लिए आपको अपना डेली का बिजनेस प्लान बनाना है कि एवरी डे मुझे क्या एक्टिविटी प्लान करनी है, मुझे अपने वीक को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, इनकम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो प्रतिदिन मेरी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपको खुद पता है इस बिजनेस के दो तीन मोटे मोटे नियम है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, ये पीपल कनेक्शन का बिजनेस है, आपको लोगों तक पहुंचना है, आपको मोर डेमोन्स्ट्रेशन करने, मैं डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड यूज करती हूँ, आप मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर पीपल, आप लोगों के लिए मौजूद होने चाहिए। और ये जितनी डेली एक्टिविटी, जितने कनेक्शन आप करोगे उतनी फास्ट, आप मुझे बता दीजिए, आप खुद कभी दिल पे हाथ रखिए, अभी सब लोग जिस हफ्ते आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, जिस हफ्ते आप लोगों से मिल रहे हो, जिस वीक आप अपने लोगों के साथ प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में आप शेयरिंग कर रहे हो, उस वीक आपको फोन कॉल्स ज्यादा आते हैं। सोचिएगा क्यों आते हैं, क्योंकि जब लोग सुनते हैं ना, सुनने के बाद उनकी कुछ कुछ जिज्ञासा रह जाती है, वो कुछ और पूछते हैं, और जो पूछते हैं वही बिजनेस करते हैं। तो सवालों से तो कभी घबराना नहीं है, और यही सवाल हमारी सक्सेस भी फिक्स करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो आप देखिए, आपको खुद पता है कि जितना आप फील्ड में निकलते हैं उतना लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, और उस वीक आप उतनी बेहतर सक्सेस देखते हैं। आप 2 हफ्ते घर में बैठ जाइए, आप किसी से बात मत करिए, फिर थर्सडे को फोन करिए, आपका कोई ऑर्डर है, आपका कोई ऑर्डर है, गलत। ये बिजनेस ऑर्डर कलेक्शन का नहीं है, ये बिजनेस सेल्फ डेवलपमेंट का है, ये बिजनेस टीम को मोटिवेट रखने का, अलाइन रखने का, उनको सक्सेस दिलाने का है, ये बिजनेस अपनी एस्पिरेशंस को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सक्सेस की बात करते हैं ना, सक्सेस रियली मींस, इसका मतलब क्या है, जो शब्द है ना अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट, इसके सारे एक एक वर्ड्स को अगर आप ब्रेक करोगे सबके अंदर आपका सक्सेस का मूल मंत्र छुपा हुआ है, सेंस ऑफ डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं मैम मैं ना प्लेटिनम था, मैं इस बार ना मैं रूबी के लिए प्लान कर रहा हूँ, मैं रूबी था, मैं एमरल्ड के लिए प्लान कर रहा हूँ, मैंने लास्ट मंथ ना मैम 5,000 की बैलेंसिंग ली थी, इस मंथ वीक में, लास्ट वीक में मैंने 5,000 की बैलेंसिंग ली थी, मैं न्यू एसोसिएट हूँ, अब मैं 10 से 20,000 के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं उसकी प्लानिंग कर।
सो यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर आपकी टीम को पता हो कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, और टीम से पहले मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी खुद की डायरेक्शन क्या है ना। तो जब आपको पता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन वही आप सिस्टम अपनी टीम को, ये हमारी धरोहर होती है, हम अपनी टीम को प्रोवाइड कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंपनी प्लान, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंपनी प्रोडक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंपनी प्रोफाइल, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पीपल। लोगों को समझिए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनकी इच्छाओं को समझिए। देखिए जो बिजनेस है ना, मोटिवेशन का बिजनेस, सब कुछ पैसे से नहीं आता है ना दोस्तों। कुछ लोगों को लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है, नेम फेम चाहिए होता है, रिकग्निशन चाहिए होता है। जब आप लोगों के ग्रुप में, जब मैं इतने सारे बैनर्स और सक्सेस के मैं आप लोगों के देखती रहती हूँ, आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, बहुत खुशी होती है। देखिए मैं तकरीबन 50-60 ग्रुप्स के अंदर ऐड हूँ, कई बार मैं आप लोगों को अपने एक्सप्रेशन या मैं अपनी बधाई शायद मैसेज में नहीं कन्वे कर पाती हूँ, बिकॉज ऑफ सम टाइम हेक्टिक शेड्यूल। लेकिन जब भी मैं किसी की एक सुंदर फोटो देखती हूँ कि इन्होंने कुछ अचीव किया है, इट गिव अस अटमोस्ट हैप्पीनेस एज अ कंपनी। हमें बहुत खुशी होती है कि इतने सारे लोग सक्सेस, हैप्पीनेस और वेल्थ को VLCC वेल्थ साइंस से अचीव करें। यही आपका मोटिव है, करेज टू टेक चांसेस। जब तक आप अपना करेज नहीं दिखाएंगे, आप अपने आप को बेहतर करने के लिए सोचेंगे, आप न्यू आइडियाज, न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना दोस्तों, आप ठहरावा पानी हो जाएंगे। पता है ना, जो ठहरावा पानी होता है ना, फिर कहते हैं डेंगू आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, इस पानी को साफ करो। सो दैट मीन बहता पानी, जब हम चलते हैं, जब हम बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ग्रो हो रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं। यू हैव टू हैव अ कंपैशन फॉर योरसेल्फ एंड अदर। कंपैशन का मतलब है प्यार होना, करुणा भाव होना। जो जो आप थॉट्स अपने रखते हो ना, वही अपनी टीम के लोगों के लिए रखे। टीम बहुत जरूरी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी टीम की रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, दैट्स इन योर हैंड। सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को बेटर वर्जन बनाइए, और अपने कॉन्फिडेंस को कभी नीचे मत होने दीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, तो सक्सेस आपके पास जरूर आएगी। सो अगर जब मैं बात करती हूँ गोल्स की कि हमको बिजनेस में करना क्या है, तो एक ना आपको डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपनी वीकली डायरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वीकली डायरी क्या होता है, आपको अपनी गोल सेटिंग करनी है। तो गोल सेटिंग क्या होती है, आपका अर्निंग गोल क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या गोल क्या है। ये जो एक्टिविटी गोल है ना, ये अर्निंग गोल से कनेक्टेड है। मोर द एक्टिविटी, मोर द सेमिनार्स, मोर द मीटिंग, मोर द कनेक्शन, बेटर इज द अर्निंग। आपको बेटर 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 अर्निंग मिलेगी। सो आपके दो गोल हैं, आपको कितनी एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी के द्वारा आप कितनी आय अपनी निर्धारित कर रहे हैं उस हफ्ते के लिए, उस महीने के लिए। आपको पता है आपकी दो प्रकार की इनकम होती है, वीकली इनकम एंड मंथली इनकम। तो आपने वीकली क्या प्लान किया है अपने लिए, वीकली वीकली आप कितनी मैचिंग में जाना चाहते हो, और मंथली कौन से बोनसेस को आप अचीव करना चाहते हो, यू हैव टू प्लान। ऐसा नहीं होगा कि मैं देखूंगी अपने जाके वॉल्यूम में, अरे इतना हो गया अब मैं ये ट्राई करती हूँ। अगर आपने प्लान किया है कि इस महीने मैं रूबी तो बन गया हूं, मुझे कार बोनस लेना ही लेना है, तो ये कार बोनस ना आज आप 31 तारीख को या 30 तारीख को बैठ के नहीं सोचेंगे, ये आप महीने के शुरुआत में देखेंगे कि मुझे अपनी टीम के साथ क्या सिस्टम ड्राइव करना है, मुझे कितनी प्लानिंग, कितनी एक्टिविटी और कितनी मीटिंग्स करनी है, जिससे जो मेरा लक्ष्य है, जो मैंने अपने लिए निर्धारित किया है, उसको मैं अचीव कर पाऊँ। और वो मैं तब अचीव कर पाऊंगा जब मेरी टीम के भी छोटे छोटे गोल्स और छोटे छोटे लक्ष्य कंप्लीट होंगे, और उनके भी जो छोटी छोटी जो उनकी इस बिजनेस के द्वारा जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी होगी। सो इट इज अ कंप्लीट प्लानिंग। जो आप सेटिंग करते हो ना, आप और आपके द्वारा लाए गए लोगों की प्लान सेटिंग, गोल सेटिंग, ये आपको डायरेक्टिव अप्रोच देता है, ये आपको सोच देता है कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, राइट। तो सेल्स एक्टिविटी गोल सेटिंग के चार मेजर पार्ट होते हैं, जो मैं पर्सनली करती हूँ। मैं अपने लिए भी टारगेट इस तरीके से बनाती हूँ। पहला होता है वीकली प्लानिंग, फिर होता है मंथली सेल। मैं पूरे वीक में कितनी प्लानिंग करके चलूंगा, मेरे को वीक दर वीक कितना मेरे को करना है, कितनी मैचिंग में मिनिमम जाना है। आपके पास बहुत सिंपल है आपका डैशबोर्ड,
आपका कितना फ्रेश वॉल्यूम अभी आ रहा है, कितना कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड तो टिका हुआ, आपको दिख रहा है कि ये बढ़ता है, ये आपका कैरी फॉरवर्ड जो भी अनमैच्ड वॉल्यूम है वहां पड़ा हुआ है। अब मुझे कैरी फॉरवर्ड के साथ फ्रेश वॉल्यूम वीकली कितना डेवलप करना है, जो मैं अपनी इच्छा अनुसार जो भी मैंने पहले इनकम निर्धारित की है। देखिए गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। मैंने इस महीने मैंने करी है 10,000, इस हफ्ते करी है मैंने 10,000 की बैलेंसिंग, और मैं सोचूं कि नहीं अभी मुझे नेक्स्ट वीक पे मुझे 5-5 लाख की बैलेंसिंग है, इट इज पॉसिबल। बट उसके लिए बहुत ही एग्रेसिव वर्किंग चाहिए होती है। तो आपका ना ग्रेजुअली और आपका मोर प्रोमिनेंटली आपका वीकली सक्सेस ग्राफ आपको बनाना चाहिए कि कैसे कैसे आप नेक्स्ट वीक सक्सेस लोगे। और स्टेप नंबर टू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। आपने खुद ही सक्सेस निर्धारित करनी है। मैं एक मीटिंग करता हूँ, एक मीटिंग में 5 लोग आते हैं, 5 में से 1 रिक्रूट होता है और 2 लोग ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ से मुझे सेल मिलती है और रिक्रूट मुझे 1 मिलता है। अब मेरे पास मेरा ये टारगेट है मंथ का कि मुझे इतने की बैलेंसिंग में जाना, और ये मुझे अपना मंथली अपना बोनस अचीव करना है। तो अगर मेरे को एक डेमोन्स्ट्रेशन से ये सक्सेस मिलती है, तो मुझे कितने डेमोन्स्ट्रेशन करने पड़ेंगे जो मेरी निर्धारित सक्सेस मैंने बनाई है वो मुझे मिले। है ना इजी? आपको करनी है फ्रेंड। और ये सक्सेस ग्राफ आप खुद बना सकते हो जब आपको पता होगा कि आपको एक मीटिंग से आपको क्या प्रोग्रेस मिलती है। थोड़ा सा ज्यादा लेके चलिए, अगर आपको लगता है कि एक मीटिंग से आपको एक रिक्रूट आ रहा है, या 2 ऑर्डर मिल रहे हैं, या 3 ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन तो बढ़ाना ही है, आपको अपनी क्वालिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन भी बढ़ाना है। आपका एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी पे जरूर जाइए, बट क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका तीसरा स्टेप होता है टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ मीटिंग आप होल्ड कर रहे हो उस महीने के अंदर। ये कैलेंडर आपका बनना चाहिए कि मैंने निर्धारित किया कि कम से कम मैं इतने लोगों से तो 1-to-1 करने वाला हूँ, इतनी मैं अपनी पार्टी सेट करता हूँ। आपको मैं आज एक फॉर्मूला भी दूंगी सक्सेस, छोटा सा फॉर्मूला जिसको मैं अपना कहती हूँ 4-3-2 का फॉर्मूला। ये सक्सेस मैंने लोगों को अचीव करते हुए देखा है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं, छोटे छोटे टारगेट है। ये आपका हर एक टीम मेंबर के लिए, ये बड़े लीडर्स के लिए नहीं है, बड़े लीडर्स को अपनी टीम को अलाइन करना है, ये उनके लिए है जो अभी बिजनेस में बिगिनर्स है। अगर हर कोई अपना सेल्फ एक्टिविटी करेगा, लीडर्स भी करेंगे क्योंकि लीडर्स करते ही हैं, तो दे क्रिएट अ ग्रेट एग्जांपल फॉर देयर टीम मेंबर्स। सो टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड मीटिंग आप कितनी रखने वाले हैं, और आपका प्लानर रेडी होना चाहिए कि डेट वाइज, वीक वाइज, पर्सन वाइज, सिटी वाइज आपका प्लानर रेडी है। आप बोलो अच्छा मुझे यहाँ जाना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसके साथ काम। That has to be pre-planned. आप महीने का अपना पूरा प्लानिंग करते हैं, फिर करिए। आपको एंजॉय करने का तरीका बता, आप 1 तारीख को बैठे, अब की बार तो देखिए क्लोजिंग 31 को हो जाएगी। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, कोई भी मेरा थोड़ा सा ऑर्डर रह गया, मेरी टीम का कोई बैलेंसिंग जाना है, आपको मैं क्लियरली बोल रही हूँ 31 इज द ओनली लास्ट डे ऑफ द मंथ। हम 31 तारीख को हमारा वीकली, हमारा मंथली क्लोजिंग होगा। जो भी मंथ का लास्ट डेट है, 30 तारीख पड़ रहा है, 28 तारीख पड़ रहा है, 31 पड़ रहा है, उसको हम अपना वीकली क्लोजिंग करेंगे। आप मंथली क्लोजिंग करेंगे, 1 तारीख को आप बैठेंगे, आपने लास्ट मंथ कितना इनकम लिया, कौन कौन से बोनसेस अचीव किए। अब आपको स्टेप ग्रोथ नंबर 2 लेना है, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपको ये 5 स्टेप फॉलो, 4 स्टेप फॉलो करने हैं। वीकली एंड मंथली सेल प्लानिंग करिए, कितना आप करना चाह रहे हो, खुद का टारगेट लिख दीजिए। फिर आप बैठिए नेक्स्ट मंथ में, आइए और उसके 1 तारीख को देखिए जो आपने लिखा था, जो आपने प्लान किया था, उसमें से कितना अचीव हुआ। मैं आपको एक बात बोलूं, आपने जो प्लान किया है अगर आपने उसमें से 50% से ज्यादा अचीव किया है, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, जरूर दीजिए कि एटलीस्ट आपने 50% कर पाए, बेटर बेटर पाथ में हो, जो प्लान के था वहां तक तो पहुंचे, कुछ तो जगह पहुंचे। अगर आपने 70% अचीव कर लिया, तो अपने आपको शाबाशी दीजिए कि आपने 70% कर लिया। अगर आपने 80-100% कर लिया है, तो उस सक्सेस को सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट योर सक्सेस, और उसको एंजॉय करिए परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने लीडर्स अपलाइंस के साथ, आप उस सक्सेस को एंजॉय करिए। और ये हैबिट बनाइए कि एवरी मंथ मुझे डे 1 से लेकर 2 में तो अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना है, एंड द डे यू विल से सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, आपकी हैबिट हो जाएगी, क्रिएट सक्सेस को सेलिब्रेट करने की हैबिट। और ये आपको सक्सेस भी दिलाएगा, आपका मोरल बूस्ट करेगा, और आपको एक डायरेक्टिव अप्रोच देने में मदद करेगा।
तो जब हम बात करते हैं सक्सेस की, बात तो हम कर रहे हैं, तो इसका मूल मंत्र एक बार बताते हैं कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तीन मोटा मोटी चीजें हैं जी, तीन चीजें हैं जो आपको स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग में चलना है। मोर एसोसिएट ईच वीक, ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट हर हफ्ते मेरे नेटवर्क में आने चाहिए। मुझे सिर्फ ग्रोथ, वृद्धि, इंक्रीमेंट ही नजर आना चाहिए, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो। एवरी वीक मेरे पास नए लोगों का प्रवाह, नए लोगों का एंट्रेंस मेरे नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। द मोर न्यू पीपल विल कम इन टू द नेटवर्क, द मोर सक्सेस यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑन योर कमिंग डेज। मोर कस्टमर ईच वीक, कस्टमर भी बढ़ाइए। कुछ लोग आपके एसोसिएट बनते हैं, कुछ लोग आपके कस्टमर बनते हैं। मैं हमेशा एक मीटिंग में ये भी बोलती हूँ, जब लोग बोलते हैं मैम कैसे डिस्टिंग्विश करें एसोसिएट कौन है, कस्टमर कौन है, दोस्तों जब आप मीटिंग कर रहे हो, आप अपनी होम पार्टीज कर रहे हो, आप अपना हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हो, जो लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि आपको मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं ये सामान परचेस करता हूँ, डिस्काउंट चाहिए, आइए आप बिजनेस के अंदर जुड़ जाइए। आप वो व्यक्ति हैं जो मेरी तरह इस बिजनेस से जो कंपनी दे रही है वो आप सब पा सकते हैं। जो आपसे डिस्काउंट नहीं मांगते, जो कहते हैं हमारे पास समय की कमी है लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम इसको यूज करना चाहते हैं, वो आपके कस्टमर बनेंगे। तो बहुत इजी सा डिफरेंस है, आप इजी रिकग्नाइज कर सकते हैं, आप लोग तो वैसे ही चैंपियन है। मोर डेमोन्स्ट्रेशन इज ईच वीक, नंबर ऑफ एसोसिएट्स को बढ़ाना है हफ्ते दर हफ्ते, नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाना है हफ्ते दर हफ्ते। ज्यादा से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो हेल्थ कैंप हो, चाहे वो ब्यूटी कैंप हो, चाहे वो आपके होम पार्टीज हो, आपको नंबर ऑफ डेमो का मतलब है द मोर एंड मोर पीपल यू हैव टू कनेक्ट ईच वीक। और एक बात और ध्यान रखिए, लास्ट हफ्ते मैं 15 लोगों से, नए लोगों से मिला था, इस महीने वो नंबर 25 होना चाहिए, इस हफ्ते वो नंबर 25 होना चाहिए और अगले हफ्ते वो नंबर कम से कम मेरा 30 से 50 तक पहुंचना चाहिए। ये कहते हैं ग्रोथ, ये होती है ग्रोथ कि कैसे मेरे नंबर ऑफ डेज डेमोज बढ़ रहे हैं, कैसे मेरा नंबर ऑफ इंट्रैक्शन, नंबर ऑफ कनेक्टिंग पीपल बढ़ रहा है। और आप बड़े खुश होंगे कि डायरी मेंटेन जो कर रहे हैं, जैसे जैसे आप देखेंगे वीक दर वीक आपके नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका चेक तो बाय डिफॉल्ट बढ़ रहा है, आपका चेक तो बाय डिफॉल्ट इनकम आपकी धीरे 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 अपने आप बढ़ रही है। सब कुछ कर्म प्रधान है, सब कुछ कार्य प्रधान है। द बेटर प्लानिंग यू विल डू, बेटर स्ट्रैटेजी यू विल मेक फॉर योर सेल्फ एंड योर टीम, द बेटर सक्सेस यू विल एक्सपीरियंस इन टू दिस बिजनेस, राइट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, अब एक फॉर्मूला जो दे रही हूँ, जब हम बात करते हैं, मैं कहती हूँ प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। टू फेल टू प्लान इज टू प्लान टू फेल। अगर आपको लगता है अरे प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग से कुछ नहीं होता, तो जो प्लानिंग में ही फेल हो जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि सक्सेस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। प्लान योर वर्क, if you plan your work, it means you are planning for the success and work your plan. अगर आपने प्लान किया है अपना वर्क, तो उस प्लानिंग को आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, उस प्लान के ऊपर आपको वर्क करना है। वो एक पेपर में और एक डायरी के खूबसूरत पेज में, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा बना ही होना चाहिए, वो शब्द आपकी चाल ढाल व्यक्तित्व में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ आपको? सक्सेस का एक ट्राइंगल है, बहुत खूबसूरत सा ट्राइंगल है, जिसको हम कहते हैं सक्सेस ट्राइंगल। यही आपका सक्सेस का गुण मंत्र, मूल मंत्र है। आप ज्यादा डेमोस्ट्रेट करेंगे, डेमोस्ट्रेट मैं वर्ड यूज करती हूँ, डेमो मेरा फेवरेट है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पसंद करती हूँ, चाहे आप उसको सेमिनार का नाम दीजिए, चाहे आप उसको ब्यूटी पार्टी हेल्थ कैंप का नाम दीजिए। द मोर डेमोन्स्ट्रेशन यू विल डू, द मोर रिक्रूट यू विल गेट, एंड द मोर रिक्रूट यू विल गेट, उनको जितना आप ट्रेन करोगे, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, जितना ट्रेन, जितना कोच, जितना एक्सपर्ट आप बनाओगे, आप ग्रो करोगे, आप अर्न करोगे और लर्न करोगे, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट में कन्वर्ट करोगे, फिर आप लोग रिक्रूट करोगे, फिर उनको ट्रेन करोगे, यही सर्कल आपका घूमते घूमते, यही आपका सक्सेस, आपका ट्राइंगल है, और यही आपको सक्सेस की तरफ लीड करेगा, यही आपकी अचीवमेंट निर्धारित करेगा। इसी मंत्रा को आपको, ट्राइंगल को आपको फॉलो करना है, और फॉलो करने के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर काम करना है। क्लियर है? मैं बहुत बड़ा सेशन नहीं कर रही हूँ, छोटा ही सेशन करूंगी, मैंने बहुत छोटी छोटी स्लाइड बनाई है, बट मैं ये देख आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे अपनी वीकली प्लानिंग करते हैं। अनदर टू थ्री स्लाइड्स। अब आप वीकली प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको अपने आप से चार सवाल पूछने हैं जी। पहला सवाल, वेयर वी आर एट प्रेजेंट, मैं आज कहाँ पे हूँ।
मुझे जाना कहाँ है, वे बी वॉन्ट टू गो, मेरे को इससे नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाना है और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए मुझे करना क्या है। तो जो पीछे एक्टिविटी है ना वो करना है आपको, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कनेक्ट करना है, मीटिंग करनी है, लोगों से मिलना है, एंड व्हाट टाइम विल इट टेक। मैंने प्लानिंग किया है कि इस मैं अभी नया नया बिजनेस में आया हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो बड़ा सम्मान होता है, गोल्ड डायरेक्टर्स को बड़ा सम्मान मिल रहा है, प्लेटिनम को बड़ा सम्मान मिल रहा है, मुझे बिजनेस के ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर अपने आपको गोल्ड में कन्वर्ट करना है। आपने क्या किया, आपने लास्ट वाला व्हाट टाइम इट विल टेक, आपको पता है कि गोल्ड करने के लिए कितने की बैलेंसिंग चाहिए होती है, उस बैलेंसिंग के लिए मेरी वीकली अचीवमेंट्स कितनी होनी चाहिए, जो वीकली मेरा सेल्स वॉल्यूम आएगा वही मेरे टाइटल पॉइंट्स में ऐड होगा, वही टाइटल पॉइंट में कितनी जल्दी अचीव कर पाऊंगा, सब कुछ प्री फिक्स है, रास्ता बना हुआ है, मैप है ना, आपको खजाने का जो मैप है ना आपके पास है ना, आप ट्रेजर हंट करते हो ना, ट्रेजर हंट है, आपके पास खजाने का मैप है, ये मेरा खजाना है, यहाँ मेरा खजाना पड़ा है, उसके लिए मुझे ऐसे काम करना है, मुझे ऐसे काम करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। आपकी डायरेक्टिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल अर्न योर ट्रेजर, यू विल अर्न योर सक्सेस, बट आपको वो टाइम तब लगेगा, वो जो टाइम है कितना लगेगा, जब आप अपना वीकली में उसको ब्रेक करोगे कि अगर 1 हफ्ते में मेरा इतना सेल आ रहा है तो मेरे को वहां उस टाइटल तक पहुंचने के लिए या उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरा वीकली कितना इंक्रीमेंटल होना चाहिए, ताकि जो समय मैं निर्धारित कर रहा है उस समय तक मैं वो अपना अचीवमेंट्स अचीव कर लूं। सो ये है मेरा मंत्र जिसको मैं 4-3-2 कहती हूँ। हर एक नए व्यक्ति को आपको अपने बिजनेस में बोलना है, आपने 4-3-2 किया, आपने 4-3-2 किया, ये 4-3-2 क्या है, हर एक नया व्यक्ति को आप भी हैंड होल्ड करोगे, आप भी एक्टिविटी करोगे, मिनिमम कह रही हूँ मैं 4 डेमोन्स्ट्रेशन जरूर करिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 डेमोन्स्ट्रेशन जरूर करिए, 3 नए लोगों को अपने बिजनेस में हर हफ्ते इन्वॉल्व करिए, और 2 ट्रेनिंग खुद करिए और 2 ट्रेनिंग टीम की करिए, चाहे वो अपने नॉलेज एनहांसमेंट की हो, डिजिटल की हो, महावीर जी बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आप लोग के लिए प्लान करते हैं, चाहे वो डिजिटल के ऊपर आप सीखना चाहते हैं कि डिजिटल एक्सपोजर कैसे लेना है मुझे, चाहे आप अपने प्लान के ऊपर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, एवरी डे अपने आप को 2 से 3 नए प्रोडक्ट को आपको तटस्थ करना है, आपको घोल के पी जाना है, आपके जो प्रोडक्ट है ना वही आपकी इनकम है। करेक्ट है, आप सेलर्स नहीं है, आप बिजनेस एंटरप्रेनर्स हो, तो अपने ब्रांड को अपने बेबी की तरह, अपने बच्चे की तरह आप समझना शुरू करिए, आप अपने प्रोडक्ट में अपने आपको जितना ट्रेन करोगे, टीम को उतना जितना ट्रेन करोगे, उतनी बेटर और हायर सक्सेस आप अचीव करोगे, आप जितना कल पे काम छोड़ते चले जाओगे आपकी सक्सेस उतनी दूर होती चली जाएगी, और जब आप अर्ली एज अर्ली सक्सेस आप अचीव करते हो ना, तो सेल्फ ऑफ सेल्फ कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन किसी और ही लेवल का होता है। लास्ट लाइन आपका, जब मैं थर्सडे की बात करती हूँ, थर्सडे आपका वीकली क्लोजिंग होता है, एवरी फ्राइडे योर बिजनेस साइकिल बिगिन एंड एंड्स ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को ये शुरू होता है, थर्सडे को ये एंड होता है, करेक्ट है, तो फ्राइडे को ये बिगिन हो रहा है और थर्सडे को एंड हो रहा है, तो फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक आपने जो भी फील्ड एक्टिविटी करी है वो थर्सडे को आपके सिस्टम में, आपकी टीम के सिस्टम में, उनके लॉगिन में ब्लॉक हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी और आपका नंबर आपको नजर आ जाएगी। योर इंटायर वीक्स डेमो एंड इट्स डिटेल विल नाउ पुट इनटू योर एसोसिएट ऑर्डर, जो आपने पूरे हफ्ते आप जो अपने आपने डेमोन्स्ट्रेशन किए, जो सक्सेस आपने अचीव करी उनको ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है, और जो ऑर्डर आपकी तो आप एवरी डे भी करते हो, बट कुछ कुछ ऑर्डर्स होते हैं कि हम आपको थर्सडे को करेंगे, हम पूरा अपना वॉल्यूम देख के चेक करते हैं। सो ये मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हर एक टीम का एक चीज चेक करती हूँ, जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है, ऑर्डर्स ऑफ एसोसिएट शोज नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग्स द एसोसिएट वुड हैव डन इन अ वीक, आपने पूरे हफ्ते क्या किया है ना, वो हमें आपके जितने ऑर्डर पंच होते हैं ना आपके और आपकी टीम में, वो हमको बता देते हैं, आपको हमको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे सिस्टम में है, मैं अपने लीडर्स का डिटेल खोल के देखती हूँ, मुझे दिख जाता है भैया कितनी मेहनत करी है, कितने ऑर्डर्स डले हैं, कितने रिक्रूट्स डले हैं, हमें समझ में आ जाता है। यही आपको भी समझ में आना है कि आपको अगर आपने वीकली प्लानिंग की है, तो आपने वीकली जब प्लानिंग की है, आपने फ्राइडे से लेकर अपना थर्सडे तक जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग सेमिनार्स किए हैं उनको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का समय होता है आपका वीकली क्लोजिंग।